कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल है, जिन्होंने अपने कर्मों से पूरी दुनिया को बता दिया कि अभी भी इंसानियत नाम की चीज इस दुनिया में बची हुई है। और दूसरों की मदद करने वाले और उनका दर्द समझने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रीकांत बोला की, जो अपने जन्म से ही नेत्रहीन हैं और इस शारीरिक कमी की वजह से शुरू से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए साहस और जिद से उन्होंने समाज के लोगों को आईना दिखाया और सिर्फ 23 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जैसे हजारों दिव्यांगों को नौकरी दी और उन्हें सम्मान से अपने बलबूते पर जीना सिखाया। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए हम श्रीकांत बोला के इस प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। श्रीकांत का जन्म 1922 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में हुआ था। लेकिन जब वे पैदा हुए थे उस समय उनके घर में खुशियां नहीं थी, बल्कि गम का माहौल था, क्योंकि वो नेत्रहीन पैदा हुए थे। नेत्रहीन पैदा होने की वजह से गांव वालों ने उनके माता पिता से तो यह तक कह दिया था कि यह बच्चा किसी काम का नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए, नहीं तो बाद में चलकर आपका सहारा बनने की जगह यह आप पर बोझ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो अपने बच्चे के लिए ऐसी बात तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। श्रीकांत का पूरा परिवार खेती पर निर्भर था और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके बावजूद उनके माता पिता ने उनका पूरा ख्याल रखा और एक आम बच्चे की तरह उन्हें भी पढ़ाई के लिए पास के एक सरकारी स्कूल में भेजा। लेकिन वहां पर श्रीकांत नेत्रहीन होने की वजह से आम बच्चों के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उन्हें हमेशा क्लास की अंतिम बेंच पर बिठाया जाता था और वे स्कूल के किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, लोग हमेशा उन्हें हीन भावना से देखते थे। श्रीकांत के बचपन के कुछ साल इसी तरह से बीते और फिर उनके पिता उन्हें अपने साथ खेत में ले जाने लगे ताकि वो उनका हाथ बटा सके, लेकिन वहां पर भी वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, श्रीकांत के पिता को पता था कि उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने श्रीकांत को शहर भेजकर उनका एडमिशन नेत्रहीन बच्चों के एक विशेष स्कूल में करवा दिया, जहां पर श्रीकांत कुछ ही महीनों के अंदर पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। और अच्छा ही नहीं, वे जल्द ही अपने लगन और मेहनत से क्लास के टॉपर भी बन गए। पढ़ाई के साथ साथ वे वहां खेलों में भी पार्टिसिपेट करने लगे। और अगर खेल की बात करें तो श्रीकांत को चेस खेलना बहुत पसंद था। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से हाई स्कूल की एग्जाम दी और लगभग 90% नंबरों के साथ पास आउट हुए, जिससे उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। और फिर आगे की पढ़ाई के लिए 11वीं में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट लेने का मन बनाया, लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड ने यह कर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि 11वीं में नेत्रहीन बच्चे साइंस सब्जेक्ट को नहीं चूज कर सकते। इस बात से श्रीकांत को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने निराश होकर बैठने की जगह अपने टीचर की सहायता से इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई। और फिर 6 महीने तक लड़ने के बाद बोर्ड को भी उनकी बात माननी पड़ी और बोर्ड ने उनका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या था, श्रीकांत ने दिन रात एक कर अपने कठिन परिश्रम के बल पर 12वीं की परीक्षा में 98% मार्क्स लाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 12वीं के बाद भी वे शांत नहीं बैठे और IIT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन वहां भी उनके जज्बे और नंबर्स को देखने के बजाय
दृष्टिहीनता की वजह से उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और भारत के सभी कॉलेजेस ने उनके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि श्रीकांत ने अभी भी हार नहीं मानी और इंटरनेट के जरिए पता लगाते हुए उन्होंने अमेरिका के कुछ कॉलेज में अप्लाई किया, जहां पर 4 कॉलेज ने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर श्रीकांत ने MIT को चूज कर अमेरिका से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसके साथ ही वे वहां के पहले नेत्रहीन छात्र बने। पढ़ाई के बाद श्रीकांत को अमेरिका में लाखों का जॉब ऑफर हुआ, लेकिन श्रीकांत भारत वापस आ गए और अपने जैसे बहुत सारे दिव्यांगों की मदद करने में लग गए। उन्होंने शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया, जिससे समाज में उनको एक सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके और फिर उनके आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बोलांट इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी भी खोली, जहां उन्होंने दिव्यांगों को नौकरी दी और अपने बलबूते पर जीना सिखाया। दोस्तों, इसी लड़के के लिए लोगों ने कहा था कि यह आगे चलकर अपने माँ बाप का बोझ बनेगा और इसे मार ही देना अच्छा होगा, लेकिन आज वही नेत्रहीन लड़का जिसे सब बेकार समझते थे न सिर्फ खुद काम कर रहा है बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों को भी काम दे रहा है। दोस्तों, श्रीकांत जैसे लोग ही हमेशा दुनिया को यह साबित करके दिखाते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले भी श्रीकांत के प्रेरणादायक जीवन से सीख ले सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।